वेलकम बैक टू मी कोडर हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब और ये हमारा तीसरा वीडियो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स को लेके और इस वीडियो में हम वेरिएबल समझेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है और उसके कितने टाइप है हम ये सब डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ इन्हें हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल एक नाम होता है जो एक वैल्यू को स्टोर करता है ये वैल्यू हम बाद में बदलने या एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होती है वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में डेटा को टेम्प्रेरी स्टोर करने के लिए काम आता है जिससे आप बाद में यूज़ कर सकते हैं जावा में कॉमनली यूज़ वेरिएबल टाइप्स कौन से कौन से है एक है नंबर फिर आता है स्ट्रिंग और बुलेन बुलेन में सिर्फ ट्रू फॉल्स होता है अरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी वेरिएबल टाइप है नल uh, अनडिफाइंड ये सब वेरिएबल टाइप्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में कॉमनली यूज होते हैं हम एक एक वेरिएबल को डिटेल में स्टडी करेंगे कि या, या, कौन सा वेरिएबल का मीनिंग क्या है तो उससे पहले हम पहले तो वेरिएबल को अच्छे से आ, देख लेते हैं कि वो क्या है तो एक डिटेल एग्जाम्पल के साथ वेरिएबल को समझते हैं मान लीजिए आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं ठीक है ना ई e कॉमर्स जिसे कहते हैं और आजकल काफ़ी कॉमन है सबको पता है ई e कॉमर्स क्या है तो जिसमें हम ई कॉमर्स उस वेबसाइट में हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है हर प्रोडक्ट को उसके नेम प्राइस और अवेलेबिलिटी स्टेटस के साथ रिप्रेजेंट करना है इस टास्क में हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले स्टेप रहेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने की तो सबसे पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा जैसे कि प्रोडक्ट नेम प्राइस और अवेलेबिलिटी के लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हम सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे वर, वार फॉर वेरिएबल प्रोडक्ट नेम ये प्रोडक्ट नेम हमारा वेरिएबल हो गया कोलन फिर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम प्रोडक्ट प्राइस नाम रखेंगे पी आर आई सी हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम इस अवेलेबिलिटी दिखाने के लिए बना लिए हमने कोलन समीकोला अब वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है ना सबसे पहले हमने वेरिएबल बना लिए वेरिएबल बनाने के बाद हमें उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने की स्टेप है वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है वेरिएबल उन्हें इनिशियलाइज कर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए अब हम इन्हें इनिशलाइज करना होगा यानी उनमें वैल्यूज़ असाइन करनी होंगी तो अभी जो प्रोडक्ट नेम वेरिएबल है इसमें मैं कुछ वैल्यू डालूँगा जैसे कि मैं डाल देता हूँ आईफोन ठीक है ना फिर हम प्रोडक्ट प्राइस डाल देता हूँ तो मैं सिक्सटी रुपीज़ सेमीकोलन देना ना भूलिए और फिर इज़ अवेलेबल ये हमारा बुलेन वेरिएबल है ठीक है ना अब आपको आगे समझेगा के क्यों हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू ठीक है ना बुलेन वेरिएबल के लिए सेमी डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है स्ट्रिंग या नंबर जब पास करते हैं नंबर वेरिएबल या स्ट्रिंग वेरिएबल तब हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ता है अब इस तरह से हम हमने यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है यहाँ वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है ठीक है ना? ये एक, एक प्रोसेस है वेरिएबल को यूज़ करने के लिए तो अब हम एक एक जो हमने वेरिएबल देखा था नंबर यानी अब जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है ये नंबर वेरिएबल है ये बुलेन वेरिएबल है तो क्यों है इसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले नंबर वेरिएबल को देखते हैं नंबर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है जैसे वन थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट सिक्स माइनस टेन यानी यहाँ निगेटिव नंबर्स भी डेसिमल नंबर्स भी डायरेक्ट एक ही वेरिएबल क्या होल्ड करता है जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया एज तो मैं एज को मैंने ट्वेंटी फाइव से असाइन कर दिया तो अब यह हो चुका है नंबर वेरिएबल अब मैंने वेरिएबल पाए बनाया पाए वैल्यू क्या होती है थ्री पॉइंट वन फोर तो ये भी हो गया नंबर वेरिएबल है ना जो वेरिएबल नंबर कैरी करेगा वो हो जाएगा नंबर वेरिएबल और इसी तरह जो वेरिएबल स्ट्रिंग कैरी करेगा वो हो जाएगा स्ट्रिंग वेरिएबल यानी स्ट्रिंग वेरिएबल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है जैसे हेलो वर्ल्ड या जावास्क्रिप्ट है ना वेरिएबल नेम और स्ट्रिंग वेरिएबल को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं सेमी कोलन के साथ एंड करेंगे हर चीज़ को जावास्क्रिप्ट में यहाँ लिख दिया मैंने मेन कोलर ये हो गया है स्ट्रिंग वेरिएबल सेम हम स्ट्रिंग वेरिएबल को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं ना ठीक है हाँ, आ, ये हो गया है स्ट्रिंग वेरिएबल फिर आता है बुलेन जैसे कि हमारा जो इज अवेलेबल था वो बुलेन वेरिएबल था बुलेन वेरिएबल सिर्फ दो वैल्यूज़ ले सकता है ट्रू या फॉल्स ये वैल्यूज ट्रू फॉल्स कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है तो ये है वेर इज़ लॉग्ड इन अगर आपने इससे पहले कभी प्रोग्रामिंग की होंगी तो जैसे साइन अप पेज है या लॉग इन पेज है या होता है तो अगर आप पहले से ही लॉगिन हो किसी पे वेबसाइट पे और अगर आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिडायरेक्ट करेंगा होम पेज पे या किसी भी जिस जिस पे भी उसने इंस्ट्रक्शन दी है रिडायरेक्ट होने के लिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ एक ना एक ऐसी कंडीशन होती है कि अगर ये लॉग है तो ट्रू रहेगा मतलब फिर ये कंडीशन पास हो Uh, बुलेन वेरिएबल का इस तरह से हम यूज करेंगे फ्यूचर में है ना ट्रू या हैज परमिशन होता है ना कि अगर आप एडमिन हो तो एडमिन रोल अलग होता है एडिटर रोल अलग होता है खासकर वर्डप्रेस में देखे होंगे तो इस तरह से हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं ये वेरिएबल सॉरी uh, ये बुलेन वेरिएबल है जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू होती है ठीक है ना फिर आता है एरे एरे वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करता है जिन्हें एलिमेंट्स कहते हैं एरे स्क्वायर ब्रैकेट में डिफ़ाइन होता है जिससे कि ये एग्जांपल है वेरिएबल फ्रूट ये स्क्वेयर ब्रैकेट फिर हमने स्ट्रिंग पास किया तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते थे हम और हर एक एरे की वैल्यू पास होने के बाद हमें कॉमा यूज़ करना पड़ता है ये एरे नंबर्स भी हो सकते हैं ठीक है ना फिर आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल की वैल्यूज पेयर को स्टोर करता है हर की एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है जिससे उसकी वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है ऑब्जेक्ट करली ब्रेसेस में डिफाइन होता है एग्जाम्पल के लिए ये देखिए जैसे ये पर्सन वेरिएबल हो गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल अब वो पर्सन में जैसे कि एक आई कार्ड है स्टूडेंट का है ना एक इम्प्लॉ है उसका आईडी कार्ड है जिसमें नेम एज सिटी है तो इस तरह से यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ होगी है ना? और ये देखिए की वैल्यूज़ होगी ये दोनों पेयर करके ही हम जैसे पर्सन डॉट नेम जब एक्सेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल का पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम एक्सेस होता है अब जब मैं पर्सन डॉट एज को फेच करना चाह कर भी सकता हूँ तो थर्टी उसका फेच होंगी वैल्यू तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया है फिर होता है नल नल वेरिएबल एक स्पेशल वैल्यू है जो कुछ भी नहीं या खाली को रिप्रेजेंट करती है अब यह आपको आगे पता चलेंगे कि ये सब नल का क्या यूज़ होगा मगर होता है जैसे यहाँ वेरिएबल डेटा इज इजिकल्स टू नल कर दिया मैंने तो ये नल वेरिएबल हो गया अब लास्ट एक है यूजर अनडिफाइंड यानी जो डिफाइन ही ना हो यानी जब जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होती है तब उसको उसका वैल्यू अनडिफाइन होता है जैसे मैंने एक यानी अगर मैं एक ऐसा वेब पेज बना रहा हूँ जहाँ पे वैल्यूज़ को मैं यूज़र से ले रहा हूँ तो तब मैं अनडीफाइन वेरिएबल का यूज करूँगा जैसे मैंने वेरिएबल एक्स लिया मगर उसमें कोई भी वैल्यू नहीं डाला है मैंने डिफाइन ही नहीं किया है कंसोल डॉट लॉग यानी यह अब नंबर वेरिएबल है या ये नंबर कैरी करेंगे या स्ट्रिंग कैरी करेंगे कुछ नहीं पता है ना तो इस तरह से हमने ये वीडियो में अभी हमने वेरिएबल को पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होता है कितने टाइप्स सॉफ्ट वेरिएबल है और उनके एक एक एग्जांपल को हमने देखा है अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सब्सक्राइबर्स को पढ़ाएँ और Uh, thank you for watching. Bye bye.